अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं आपकी टीचर नौरीन। जैसा कि हम इंग्लिश के पहले दो चैप्टर पढ़ चुके हैं, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 चित्राल वैली पढ़ाऊंगी, यानी कि वादिय चित्राल। सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूं। ये एक फ्रेंड फातिमा है, वो अपनी फ्रेंड निमरा को ख़त लिखती है और वादिय चित्राल के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन देती है, मतलब वहाँ पे वहाँ की कुदरती हुसन और अपनी सैर और वहाँ के लोगों के बारे में उसको आगाह करती हैं। चलें आएं, पेज नंबर है 25। हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। डियर निमरा, अस्सलामु अलैकुम। इट फील्स लाइक अ सच Like such a long time since I saw you last. ऐसा लगता है जैसे तुम्हें देखे हुए तवील अरसा बीत गया हो। I received your letter a few days ago. मैंने चंद दिन पहले तुम्हारा ख़त वसूल किया। You want to know about my summer vacation. तुम मेरी गर्मियों की छुट्टियों के बारे में जानना चाहती हो। You know my summer has been great. तुम जानती हो कि मेरा जो मौसम गर्म है वो बहुत ज़बरदस्त गुजरा। आई स्पेंट अ मंथ इन चित्राल वैली। मैंने एक महीना वादिय चित्राल में गुजारा। आई नो यू आर फॉन्ड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। मैं जानती हूँ कि तुम कुदरती हुसन की शौकीन हो। देयर फोर तहम आई एम राइटिंग यू आर डिटेल्ड लेटर। तहम इसलिए मैं तुम्हें एक तफसीली ख़त लिख रही हूँ। टू टेल यू अबाउट दैट प्लेस एंड पीपल, तो तुम्हें वहाँ के लोगों और उस जगह के बारे में बताने के लिए। यू वुड लव इट, तुम इसे पसंद करोगी। चित्राल वैली इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैलीज इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। वादिय चित्राल सबसे ज़्यादा खूबसूरत वैली है पाकिस्तान के शुमाल में। इट इज़ अ पीसफुल प्लेस, ये एक पुरअमन जगह है। इट्स नेचुरल ब्यूटी इज़ चार्मिंग फॉर द विजिटर्स, सियाहों के लिए इसका कुदरती हुसन बहुत दिलकश है। इट इज़ नॉट थिकली पॉपुलेटेड, ये गैर आबाद नहीं है। होप सो आप सबको ये मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसलिए अल्लाह हाफिज़।